का इंजन ये रहा, फ्रेम ये रहा, और इजाज मैंने करके देनी है इसको मुकम्मल अप्लाइड फॉर इंशाल्लाह जी अल्लाह के हुक्म से 40,000 रुपए में। और इंशाल्लाह ये देखें जी ये तैयार कर दी हमने जबर यार, ये वही बाइक है इजाज भाई, इसको पेंट भी किया है, हर चीज की 3 माह की गारंटी होगी इंशाल्लाह। इस तरह की बाइक भाई आप भी ले सकते हैं 0 मीटर सिर्फ 40,000 रुपए में। यार ये दुकान है ये, आइए। अस्सलाम वालेकुम जी उस्ताद जी। वालेकुम सलाम, की हाल भाई? ठीक हो? ठीक ठाक दुआवां उस्ताद जी। जी भाई साहब, उस्ताद जी ए इंजन ए फ्रेम है तोड़ा पैकेज लगा 40,000 का। जी जी बिल्कुल, ठीक है जी जी। ते तुसी हुण दसो साडे नाल की प्यार मुहब्बत करोगे? भाई साहब इंजन ते फ्रेम है जी। हाँ जी, तुसी क्या सी भी इंजन भी लैके आना ते फ्रेम भी लैके आना, कोई गल नहीं है, तुसी बैठो, सारा समान जेड़ा ना असी गड्डी तैयार करके देंगे। ठीक है भाई साहब, कोई गल नहीं, 40,000 दा अच्छा पैकेज दिखा दे मुकम्मल। हाँ जी, 40,000 ਪਾਲਜ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਹੀ ਲੈਣੇ 40,000 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰੰਗ ਰੂੰਗ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਰੰਗ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਗੱਡੀ ਖਾਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਡਿਊ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੇਬੀ ਜਾਈਏ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵਾਕਈ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੋਂਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਪੇਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਜਾਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਓ ਵਾਲਕਮ ਸਲਾਮ ਫੈਸਲ ਭਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਫੈਸਲ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਵਹੀ ਹੁਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਨੇ ਪੈਕੇਜ ਦਿਆ ਉਹਦਾ 40,000 ਵਾਲਾ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਸਨੇ ਬਤਾਇਆ ਹਮਨੇ ਇੰਜਨ ਔਰ ਫਰੇਮ ਲੈ ਗਏ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਸਮਾਨ ਮਾਰਾ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਵਹੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਬੁਲੇ ਦਾ ਆਏ ਆਇਆ ਫਰੇਮ ਕੋ ਇਹ ਚੇਸੀ ਹੈ, ਤੋੜੇ ਮੈਂ ਡਾਲ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਇੰਜਨ ਕੋ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੇ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਾਈਬਿੰਡ ਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਇਹਨੇ ਬਤਾਇਆ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, 5,000 ਰੁਪਏ ਇਸਕੀ ਲੇਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 45,000 ਰੁਪਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਗਾੜੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਸਾ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ? ਇਹ ਮਨਾ ਕੋਈ ਇਸਕੋ 13-14 ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ। 2013-14 ਮਾਡਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ये इंशाल्लाह 23 हो जाएगी। तो बगैर सामान ये घर में खोल के आए हैं ताकि वजन ना पड़े, दूर से आना था उनका, जो वैसे ही पैकेज में देखा था इंजन फ्रेम ले गए हैं, तो वो भाई वो स्पेशली इंजन फ्रेम ही ले गए आए हैं। नहीं नहीं, एक्सपेरिमेंट करना तो करें, पूरे पाकिस्तान को चैलेंज हमारा इंशाल्लाह। ये तो भाई वही बात होगी ना, जो कुछ बताया वो साक्षात ही हो गया इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह कोई बात नहीं, असल पता लगेगा तुम ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਦਾਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਦਾਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਕਿਰਖਾਨਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂਗਾ ਸਮਾਨ। ਯਾਦ ਵੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹਮਨੇ ਜ਼ਬਰ। ਯਾਰ ਇਹ ਵਹੀ ਬਾਈਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਇੰਜਨ ਫਰੇਮ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਵਹੀ ਵਾਲੀ ਬਾਈਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ 0 ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਉਸ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 0 ਮੀਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਬੈਦਲ ਭਾਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ 0 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫੋਰ। ਓਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, इंडिकेटर चल रहे हैं सर, हर चीज है। लेकिन इंशाल्लाह ये हम आपको इसकी स्टार्टिंग भी दिखा देते हैं। लो जी, ये स्टार्ट हो गई, ये 0 मीटर साउंड के साथ, ये इसके हेडलाइट भी जल्दी बजा, जबरदस्त यार। बैकलाइट ये वो सारा सामान, ये एक ही चीज तैयार है, ये बैकलाइट, ये इंडिकेटर देखें। जाज भाई इस पे आपने क्या क्या, यानी कि ये कौन सी कैटेगरी की एक्सेसरी डाली है? फैसल भाई इस तरह तो नहीं है यार, एक माह बाद हर चीज खुल के बाहर आ जाएगी। फैसल भाई इसमें जो सी हम हर पैकेज में एक्सेसरी दिखाते हैं ना अपने, ठीक है, ये सारा टोटल सामान हमने वही डाला है। सही और है। इसका 3 महीने का बैकअप टाइम भी है जी। अच्छा, तमाम सामान का, हर चीज का इंशाल्लाह। आप इसके सामान की क्वालिटी खुद चेक करें, अल्लाह का ख्याल करेगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, हर चीज हो गया यार, हर चीज कमाल की है यार, वैसे भी नजर आ रही है, महसूस हो रहा है। ठीक है, फ्यूल टैंक की क्या गारंटी है, कौन सी कैटेगरी का फ्यूल टैंक? ये वही 5,000 कोड वाला सबसे वजनी। ठीक है, एक साल की गारंटी इसकी पेंट की और लीकेज की। सही है, ठीक है जी। और ये देखें टायर चेक करें, पैंथर शेप लाएगा। ठीक है, पैंथर का, हाँ जी, कंपनी का डाला है, वो बीपीआर वाला सिस्टम नहीं है ये, शाक AHL एड्रेस होना ओरिजिनल।
जेनुइन वाले मरगाड़ है, जेनुइन रिम है, जेनुइन टायर है, ए प्लस। इसमें कंपाउंड लगाई है जो बताया सर, हर चीज वो तो आपको शायद ऑन द कैमरा नजर आ सके कि ना, कंपाउंड इसके अंदर भी लगी हुई है, इसके अंदर भी लगी हुई है, व्हील बैलेंस भी है, हर चीज एवरीथिंग इज ओके। ओ यार, और ये देखिए इसमें साइलेंसर भी मैंने AHL अटलस होंडा का जेनुइन लगाया हुआ है, चमचमाता हुआ साइलेंसर भी दोस्तों, AHL का होगा जी, लोकल कोई नहीं होगा जी इंशाल्लाह। जबरदस्त यार, बिल्कुल एक चीज देखें भाई की किस तरह चमक रही है। और इजाज भाई इसको पेंट भी किया है सर, ये पेंट भी मैंने वो करवा के दे दिया था उन्हें, ठीक है जी। और इस साइड से देखें, इसका चेन कवर चेक करें, चेन गदारी सेट चेक करें, मैं पहले इधर से अपने दोस्तों को चेक करवा दूं, जैसे मर्जी तसल्ली करें, ठीक है। कंपाउंड देखें अंदर नजर आ रही है, ब्लैक कलर का लगा हुआ है, हाँ जी वो कंपाउंड नजर आ गई आपको, पीछे वाला व्हील बैलेंस है, हर चीज सर ओके है, इसकी 3 माह की चेक गारंटी है तमाम सामान की यार, जबरदस्त। होंडा सेंटर से भी आप लेके आएंगे गारंटी आपको लगा हुआ है, हॉर्न लगा हुआ है सर, हर चीज। तो ज्यादा भी बैटरी कौन सी डाली है, बैटरी यार AGS के वो टापे के अंदर है, दिल खुश हो गया यार बाइक देख के। भाई सारा इंजन पेंट करवाया है, ये हमारा नया है, ठीक है, ये पेंट नहीं है, ये डब्बा पैक ब्रांड न्यू, ये चेन के ऊपर AHL एड्रेस होंडा का, ठीक है, इसके अंदर जो गरारी शेड लगा हुआ है वो भी AHL का लगा हुआ है, जबरदस्त एड्रेस होंडा का, टोटल सस्पेंशन है, ये पिछले शॉक भी जेन्युइन ओरिजिनल AHL का, टायर भी नया है, हाँ जी 6 प्लाई पैंथर का, और ये देखे पैंथर का लोगो सर, इसके रबड़ तक हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है जी इंशाल्लाह। एक चीज जो नहीं लगी है क्योंकि अंकल जो थे हमारे वो सिर्फ इंजन और फ्रेम लेके इंजन और फ्रेम वो लोग लेके आए थे सर, ठीक है, और बाकी पेंट वो उन्होंने करवा लिया खुद ही, ठीक है, ठीक है जी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारा सामान हमने नया लगा के दिया उन्हें, ठीक है, A to Z। तो इंजन का कोई काम करने वाला होगा वो आप करके देंगे सर, हम लोग बॉडी पार्ट से करते हैं, इंजन का काम हम लोग करते ही नहीं, वही बात, इंजन लेके आना है, ओके लेके आना है, इंजन आपने साइड लेके आना है, उसकी जो कॉइलें वो साइड लेके आनी है, फ्रेम लेके आना है बस, उसके अलावा तमाम हम देंगे आपको, जबरदस्त हो गया। और उसके अलावा अब आती है इसकी प्राइस की, प्राइस के साथ साथ और भी आप दोस्तों को बताते हैं, तो इजाज भाई ये कितने में तैयार मिलेगी मेरे दोस्तों को, इंजन और फ्रेम का कस्टमर लेके आता है असल भाई, रात का धमाका आ गया आपको पता है, पेट्रोल फिर महंगा हो गया, डॉलर भी महंगा हो गया, ऐसे ही है, और यार आपका भाई फिर गरीबों के साथ कोई बात नहीं, वैसे ही हो गया, मैं आपको 40,000 रुपए में सारा सामान, वही 6 माह पुराने वाला रेट चल रहा है, कोई बात नहीं, इस बात पे मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट तो कर दो यार, बहुत 6 माह पहले वाला हमने ये पैकेज दिया था, इंजन फ्रेम लेके आए 40,000 रुपए में रेडी कर, आज भी इंशाल्लाह वैसे ही, ये प्रैक्टिकल आपके सामने हो चुका है, बेहतरीन। और लेबर का क्या होगा सर, लेबर वो लड़के मेरे ले रहे हैं 5,000 रुपया, ठीक है 5,000 लेबर, हाँ, है। अगर आप अपनी पुरानी बाइक ले आते हैं ना तो जो पुराना स्क्रैप आप बेचेंगे आपका बिकेगा 3,350 रुपए का, ठीक है, हम वो मैकेनिक को दे देंगे, फिर आपसे हम लेबर नहीं लेंगे, लेबर फ्री हो जाएगी, फिर हम आपको सिर्फ 40,000 रुपए में टोटल बाइक तैयार करके देंगे, ठीक है, हर चीज की 3 माह की गारंटी होगी इंशाल्लाह जी, वो आपको रिम की अगर जंग लग जाए इनका, मड़गाड़ अगर खराब हो जाए जंग आ जाए इनका, ठीक है, पीछे वाला शॉक अगर बैठ जाए लीक हो जाए इनका, फ्यूल टैंक पेंट खराब हो जाए फिटकरियाँ बन जाए लीक हो जाए इनका, ऐसे ही है, सीट भी बैठ जाए सर मेरी है, जबरदस्त हो गया, ये इसकी चेन ग्राइस जो अंदर है, ठीक है, वो 6 माह में खराब हो जाए मेरी वापस है, वो 6 माह की गारंटी है उसकी सर, मैं 6 माह की गारंटी आपकी वैसे हर वीडियो में भी दी है मैंने, ठीक है, बेहतरीन। और सिलेंसर AHL का एड्रेस होना, इसका क्रोम खराब हो जाए साउंड खराब हो जाए 6 माह में ये मेरा वापस है, जबरदस्त। उसके अलावा वायरिंग इसने कौन सी डाली है, वायरिंग सर हमने वही वाली टोयो की जेन्युइन जो मैं दिखाता हूं, कॉपर में है, कॉपर में बेहतरीन वाली, फैसल भाई मस्ता पता क्या है, जब हमने गारंटी देनी है ना, फिर हमने क्वालिटी भी देनी है मेरा भाई, ठीक है, सूज की आवाज चेक कर रहे हैं, टिकटिक कर रहा है, आपकी जो न्यू वीडियो आई थी वही वाली आवाज है, टिकटिक वाली, और इसी से फ्यूल टैंक का, हाँ जी ये तमाम चासिस इसी से खुलेगी, इसी से होगा ये फ्यूल टैंक भी खुलेगा, ये सबसे पहले ये देखें ये हैंडल लॉक, ये लें यही चाबी है, यही चाबी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारा सामान वही है जी, ये इसका फ्यूल टैंक आ गया, ठीक है, ये अभी थोड़ा सा हार्ड है, सही है क्योंकि नया है ये, अंदर से इसकी टैंकी भी दिखाने भाजन, ब्रांड न्यू बिल्कुल, ब्रांडी वाली है, हैवी वाली है सर, ये देखें इसका वेट चेक करें फैसल भाई, अपने हाथ में इसका वेट चेक करें, वजनी वाला, वजनी अच्छे वाला है, ये 3 पीस किट है इंशाल्लाह जी, अल्लाह ने ये नहीं होगा कि भाई ये नट बोर्ड ले आओ, टेप ले आओ, वायरिंग का सामान ले आओ, फैसल भाई आपके सामने एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ठीक है, वो बुजुर्ग मेरे पास सिर्फ फ्रेम और इंजन लेके आए थे, ठीक है, तमाम नट बोर्ड भी मैंने लगा के दिए हैं, तमाम हर चीज मेरी इसमें, इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक हर चीज इसमें मेरी है, ठीक है, 5,000 रुपया वो लेबर है,
40 हजार रुपए का सामान है। जबरदस्त। अगर साथी पुरानी बाइक लाते हैं तो उनका फायदा है, क्योंकि देखे ना मैकेनिक इजाद पता क्या करते हैं, मैकेनिक इजाद उनसे पुराना सामान भी ले लेते हैं और 10 से 12 हजार रुपए मजदूरी भी चार्ज करते हैं। ठीक हो गया। हमारे पास अगर आप पुरानी बाइक लेंगे आपको सिर्फ 40 हजार रुपए में इंशाल्लाह आपकी बाइक इसमें हो जाएगी और 5 घंटे में। 5 घंटे के अंदर अल्लाह का हुक्म से जी। जीरो क्या नाम, जीरो से हीरो करो इंशाल्लाह जी। आप आपके सामने ही है, पुरानी बाइक को जीरो मीटर करें सिर्फ 40 हजार रुपए। ऐसे भैया वो देखें ये कहीं से पुरानी लग रही है, तो इस तरह की बाइक भाई आप भी ले सकते हैं जीरो मीटर सिर्फ 40 हजार रुपए में। जल्दी आइए। और ये कितनी देर तक पैकेज चल रहा है और मजीद आगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी फैसल भाई स्टॉक गुजर गए हैं, स्टॉक मौजूद है यार, अल्लाह का शुक्र है लगे हुए हैं। ये देखिए जी हमारे भाइयों की दुआएं हैं, काफी सामान पड़ा हुआ है, फ्यूल टैंक है, साइलेंसर है और शॉक्स हैं, फ्यूल टैंक इधर भी ठीक है, इंजन गिरा वाला अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बाइक 71 to 5 इंशाल्लाह उसके पैकेज भी चल रहे हैं 1 to 5 का, और मेरा चल रहा है 55 हजार रुपए का सामान है। ठीक है। और 5 हजार लेबर है, यानी कि वो भी इंजन फ्रेम लेके हैं 55 हजार रुपए में 1 to 5 रेडी करके लेके। हाँ जी, 5 हजार लेबर 55 हजार रुपए का सामान 60 हजार रुपए में रेडी कर देंगे। बेहतरीन। तो और वो भी सारा AHL का ट्रस्ट होंडा का। ये जी हमारे अंकल जी आ गए हैं जी। जनाब क्या हाल है? ठीक ठाक भाई जान, तुसी सुनाओ की हाल चाल? ठीक ठाक। तो कैसा लगा, किवें लग रहा थोनू अपनी बाइक देखे, कैसी लग रही जी हुण? भाई जान बहुत अच्छी है, मैं सिर्फ फ्रेम ते इंजन दे के गया सा ते माशाल्लाह इन्हें पूरी मोटरसाइकिल में देती अप्लाइड फॉर हो गई है। ए वन जी, कोई कसर तो नहीं छड़ी? नहीं नहीं कोई नहीं, बहुत सोनी माशाल्लाह। दसो साडे मुंह ते उत्ते ही खलोते होए ने। नहीं नहीं जेड़ी कोई गलती कोई ताई जो भी गलत है इन्हें दसो हुणे करके देंगे। बहुत अच्छा काम किया भाई जान ने, अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती सेहत देवे और इस तो ज्यादा सेहत ना देवे, कोई टुटा ना जावे। माशाल्लाह काफी अच्छी बाइक रेडी हुई है फैसल भाई। ये जो सड़क आ रही है ये मीनार नजर आ रहे हैं आपको दादा दरबार के, ये रोड आ रहा है सोने वाली गली है। ठीक है। भाटी चौक से किसी ने भी आना सोने वाला गेट, वहां से आपने ये सीधा चौक में आ जाना है। ठीक है। चौक में आते ही ये सामने आपने देखना है ये टंकी लगी हुई है। ओके। इसके नीचे ये मेरा बोर्ड लगा हुआ है फैजी वाला माटो। सही है। और ये कौन सा रोड है, ये जिला कचहरी से आ रहा है, वहां से आते ही जब आप एंटर होंगे आपको ये टंकी फिर नजर आ जाएगी, उसके बिल्कुल नीचे फैजी वाला माटो बिलालगंज। ठीक है।